अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मस्जिद नबी के गेट नंबर 6 के बाहर खड़े हैं। यहाँ से इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम है हमारा मस्जिद कुबा जाकर दो नवाफिल अदा करने का। मस्जिद कुबा में दो नवाफिल अदा करने का सवाब एक उम्र के बराबर है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक। गेट नंबर 6 पे इसलिए आए हैं कि यहाँ से एक सरकारी बस चलती है ग्रीन कलर की, मालिम लिखा होता है जिस पर, और इसके अलावा लोकल बसें चलती हैं। ये लोग आवाज़ें लगा रहे हैं जो ज़्यारा 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 ये चलती हैं। मदीना शरीफ में अगर आपको रूट का इलम है तो सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप सरकारी बस में सफ़र करें, लेकिन नहीं कहाँ कहाँ पूछो कुल्लू ज़्यारा। यहाँ पे कुछ बसें खड़ी हैं जो 10 रियाल में आपको तमाम ज़्यारतें करा देती हैं, कुबा, क़िबलतैन, मस्जिद सैयद शुहदा, इन तमाम ज़्यारतों को करा लेते हैं आपके लिए। इसमें टाइम काफ़ी लगता है, हमने सिर्फ जाना है इस वक्त मस्जिद कुबा नवाफिल अदा करने के लिए। अब्दुल समद भाई के रह गए थे, वो नहीं अदा कर सके अभी तक, बाकी जगह ये देखा है। तो ये वाली जो ज़्यारत है हमारे लिए काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये 10 रियाल लेता है, पैसे तो ज़्यादा नहीं ले रहा। जो बस वो सामने आप ग्रीन जाती देख रहे हैं ये एक साइड का 3 रियाल लेती है एक बंदे का, और अगर आपने आना जाना करना है तो 5 रियाल लेगी, सबसे इकोनॉमिकल है। और अगर आप लोग ज़्यादा हैं तादाद में, 4 से 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो बेहतर आप टैक्सी करा लें। टैक्सी भी बाज़ अवकात 20 रियाल की मिल जाती है कुबा तक, वो भी ठीक रहता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं। बस का यह है कि वेट टाइम होता है थोड़ा सा, खड़ी होकर वेट कराती है। ये देखें एक और बस आके ला गई है, ये भी तमाम ज़्यारा कराएगी, इधर खड़ा होकर आवाज़ लगाएगा ज़्यारा ज़्यारा ज़्यारा, और 10 रियाल लेगा और ले जाएगा लोगों को ज़्यारत के लिए। बहुत से लोग इस पर भी जाते हैं, इन बसों में भी जाते हैं, जिस तरह देखें एकदम भीड़ बनी है, लोग एंटर होना शुरू हो गए हैं बस के अंदर। आज यहाँ 29वां रोज़ा है, उम्मीद है ये आखिरी होगा, और कल इंशाल्लाह ताला सऊदी अरब में ईद होगी। हम ईद सऊदी अरब में ही करेंगे, मस्जिद नबी में ही ईद की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हम इस बस में बैठ गए, हाईएस्ट वैन है, इसने हमारे से 3 रियाल लेने मस्जिद कुबा तक जाने के सिर्फ। ये बाकी लोग भी पीछे बैठ गए, हाजी साहब, हाजी अब्दुल समद साहब, उनका दोस्त है उधर पीछे जाने का, फुरकान साहब आ रहे हैं। मैंने अगली सीट मान ली है, तो आगे ये क्या कि कोई सवारी ना आए, मैं अकेले बैठूं। निकलने वाले हम लोग, गाड़ियाँ खिचाखच बड़ी जा रही हैं यहाँ से। वो देखें जैसे ही कोई गाड़ी आती है फौरन फुल हो जाती है। कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो जा रही हैं तमाम ज़्यारतें कराने के लिए, हमने जो गाड़ी ली है ये करी है, ये जाएगी सिर्फ कुबा, और मुझे लगता है ये वापस भी लाएगा। आना जाना करेगा, ये सिर्फ जाना है, बुलाओ सिर्फ छोड़ेगा, ये वापस भी लाएगा, होटल में छोड़ेगा। कौन से होटल में? दारे रखवा, वो मुझे कंडक्टर समझ रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ ये गाड़ी आए जाएगी या सिर्फ जाएगी। बड़ी मददगार सूरत हाल पैदा होगी जी, मैं सवारियों से पूछ रहा था कि गाड़ी के आना जाना करेगी। हाँ आ जाओ जी, आए सवारियाँ मुझे कंडक्टर समझ बैठे, वो मेरे से पूछ रही है कि क्या आप हमें होटल उतारेंगे कि नहीं। मददगार काम 2 रियाल है, ठीक है, गुड। बस बस बढ़ते साथ ही चल पड़ेगी, अभी मेरे साथ वाली सीट फिल हो गई है और ये ड्राइवर साहब बैठ गए।
ड्राइवर साहब बड़े मजेदार आदमी है, पहले 4 रियाल बोला उन्होंने, सवारियों ने 3 कहा तो 3 पे मान गए, अभी सवारियों की 2 रियाल की आवाज आ रही है उस पे भी मान जाएंगे लगता। पाँच पाँच के ना, ये राइट साइड पे मस्जिद नबी का गेट नंबर 6 मस्जिद गुमामा। फासला इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ से मस्जिद कुबा तक, पैदल जाया जा सकता है लेकिन मौसम थोड़ा सख्त है। अभी हम जिस सड़क पे जा रहे हैं, सड़क के बिल्कुल दाएं जाने एक बाज़ार इन्होंने डेवलप किया, मार्केट थी शायद आपको नज़र आ सके यहाँ से, वो बाज़ार सीधा जाके मस्जिद कुबा को निकलता है। रात को वहाँ से जाना ज़रा मौजूद रहता है, मौसम ठंडा होता है, पैदल चला जा सकता है, बाज़ार में लाइटिंग वगैरह भी होती है, बंदा शॉपिंग करते करते भी वहाँ जा सकता है या आते हुए शॉपिंग कर सकता है, लेकिन ये यकीनन सुबह के वक्त तो नहीं पैदल जाया जा सकता, हर बंदा नहीं जा पाएगा। एक बार हम लोग गए हैं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। इस सड़क पे रेस्टोरेंट्स काफ़ी हैं, होटल भी हैं कुछ। पिछले व्लॉग में हम आपको दिखा चुके हैं जो हमने सैरी की फूड स्ट्रीट की वीडियो शेयर की थी, वो भी इसी रोड पे थी, ये हमारे दाएं हाथ आएगी, ये देखिए ये वो फूड स्ट्रीट है जिसका हमने आपको विजिट कराया था। हरम से मस्जिद कुबा तक कोई फासला 3.5-4 किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं है, इतना लंबा फासला नहीं है, क्योंकि सड़कें जरा सिग्नल फ्री हैं तो उसमें आपको मोड़ काफ़ी दूर से लेने पड़ते हैं, इसलिए फासला शायद थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होगा, इतना है नहीं, सिर्फ 3.5-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस सड़क का नाम है जी तरीक अल हिजरा, हिजरा रोड है ये, मस्जिद जुमा और मस्जिद कुबा जाने के लिए ये सड़क भी इस्तेमाल होती है, राइट साइड पे जो गुजरी। अब ओवरहेड ब्रिज थे, पहले राइट टर्न कर लेंगे, ये वो बस है जो सरकारी चलती है, ये हमने मिस की, इसमें आना चाहते थे। आर्टिफिशियल खजूर का दरख्त लगा है, ये हमें सड़क के लगता है पड़ ले हाथ उतारेगा, सड़क क्रॉस करने पड़ेगी महसूस होता है, क्योंकि मस्जिद कुबा आप देखें वो लेफ्ट साइड में है हमारे। नहीं उससे पहले क्रॉसिंग भी होगा, मैं भी वहाँ से क्रॉस करके उतार देंगे। कुबा के सामने बिल्कुल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अलदार हॉस्पिटल, राइट साइड पे पार्किंग है गाड़ियों की। यहाँ पे ट्रैफिक की इन्फोर्समेंट और दीगर कवानीन की इन्फोर्समेंट बहुत है, खाली जगह देखते हुए भी उसने लगाई कोई नहीं, क्योंकि वो पार्किंग एरिया नहीं था। अभी ये इसने पार्किंग के पास आके हमें उतारना है, 2 रियाल। ओके देखा, ड्राइवर बड़ा ही फ्लेक्सिबल है, 4 से शुरू होके 2 पे आ गया। आपने अंकल के साथ जाना है ना, 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 फिर आ जाए बाहर, ये पकड़े चाचा। आप तो तोड़ना चाह रहे थे भाई दरवाजे को, दरवाजा तोड़ने लगे थे आप। नहीं,